जब भी कोई यूके ट्रैवल करता है तो उसके दिमाग में बहुत बार आता है कि यार मैं क्या क्या चीज़ें ले जा सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें नहीं ले जा सकता। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप क्या सामान यूके में ला सकते हैं और क्या नहीं, बेसिकली क्या क्या आइटम्स यहाँ पे बैंड हैं या रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो वो सब हम बताएंगे आपको। और कुछ आइटम्स ऐसी जो आप ला सकते हैं, जिसका कई बार डाउट होता है लोगों को कि नहीं ला सकते, तो वो सारी हम आपको आज इस वीडियो में क्लैरिफाई करने वाले हैं। वेलकम टू देसी कपल इन लंदन, मैं हूँ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रेल में जाने से पहले मैं कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ जो काफ़ी लोग पूछते हैं, जैसे कि घी, जो कि स्पेशली लोग लाना चाहते हैं इंडिया से, वो वैसे लीगली अलाउड नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाते होंगे पास में या अभी भी ला रहे होंगे, बट मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि लीगली अलाउड नहीं है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। सेकेंड चीज़ है मैंगोज़। तो मैंगोज़ का भी बहुत शौक होता है लोगों को और इंडिया के मैंगोज़ नो डाउट बेस्ट होते हैं, तो मैंगोज़ आप ला सकते हैं इंडिया से यूके फॉर योर ओन यूज़। नेक्स्ट चीज़ है सीजर्स और नाइव्स। तो ये चीज़ आप हैंड बैग में या फिर केबिन बैग में नहीं ला सकते, बट आप चेक इन बैग में ला सकते हैं। अब हम कैटेगरी वाइज जाएंगे और डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से गुड्स हैं जो बैंड हैं, और उसमें सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस करेंगे, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, और डिटेल में बात करेंगे उस सब के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक, ताकि आपको पता चल पाए कि आप क्या चीज़ें नहीं ला सकते और आप वो कोई गलती ना करें। तो सबसे पहले बैंड और रिस्ट्रिक्टेड गुड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल ड्रग्स जो भी हैं वो आप यहाँ पे नहीं ला सकते। वेपन्स आप यहाँ पे नहीं कैरी कर सकते। ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताने का कि ये सारी जो हैं वो बैंड आइटम्स पे आती है। फिर आता है सेल्फ डिफेंस स्प्रे, यानी कि पेपर स्प्रे। हो सकता है आपको लगे कि यार मैं तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो बट वो भी अलाउड नहीं है। देन है कोई भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज जो कि एंडेंजर्ड है, वो आप नहीं ला सकते। रफ डायमंड्स आप नहीं ला सकते। इनडिसेंट मटेरियल जैसे कि बुक्स, मैगजीन्स, फिल्म्स, डीवीडीज एक्सेट्रा, वो भी अलाउड नहीं है। अब जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स वगैरह हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री से आ रहे हैं यूके में, तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो जो EU की कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से आप कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप ला सकते हैं। जो भी कंट्रीज़ आउटसाइड ऑफ EU हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ यूरोप, यूरोपियन यूनियन है, वहाँ से फ्रूट या वेजिटेबल लाने के लिए यूजुअली एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसको कहते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। तो जब प्लांट हेल्थ अथॉरिटीज़ होती है वो ये इशू करती है, तभी आप ला सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप बिना सर्टिफिकेट के भी ला सकते हो, तो आई थिंक ये जानना आपके लिए अच्छा होगा कि आप क्या क्या ला सकते हैं, ताकि आपकी वो परेशानी हट जाए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो EU की जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं सबके अलाउड हैं यहाँ पे। आप कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ला सकते हो अगर EU से आ रहे हो तो। रीज़न ये है क्योंकि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लगभग कॉमन है विद UK के जो स्टैंडर्ड्स हैं। ये दोनों कंट्रीज़ हैं, UK और EU, ये सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं इन दोनों चीज़ों के लिए। पेस्टिसाइड्स हो गए या कुछ भी फर्टिलाइजर्स और जिस भी जो भी तरीका है इनका ग्रो करने का, तो वो सारा सेम है, तो इसलिए वो चीज़ें अलाउड हैं यहाँ पे। इनको डर नहीं होता कि कोई इनकी जो स्पीशीज़ है वो अफेक्ट हो सकती है उस चीज़ से, तो इसलिए EU कंट्रीज से यहाँ पे ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलाउड हैं। बट अब बात करते हैं नॉन EU कंट्रीज़ की, यानी कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या आप किसी भी नॉन EU कंट्रीज़ से आ रहे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन में फॉल नहीं करती है, तो क्या क्या चीज़ें आप ला सकते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ला सकते हो विदाउट अ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, वो उसकी लिस्ट में आपको फटाफट बता देती हूँ कि वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं, ताकि आपको पता लग पाए कि आप क्या क्या लाना यहाँ पे अलाउड है। उसमें आता है पाइनएप्पल, कीवी, कोकोनट, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी, जैसे लाइम, ऑरेंजेस, ये सब, करीलीज, बनाना, मैंगोज़ जो कि काफ़ी पॉपुलर होते हैं क्योंकि इंडिया के मैंगोज़ बहुत पसंद होते हैं लोगों को, तो मैंगोज़ अलाउड हैं। गुआवा, नट्स, नट बटर्स, राइस वगैरह भी लाना अलाउड है। पैकेज सैलड या फिर फ्रोजन जो प्लांट मटेरियल है वो भी आप ला सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें अलाउड है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक इन्होंने बैन कर रखा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ पे इजीली ला सकते हैं और इस चीज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, पास्ता हो गया, केक्स, चॉकलेट्स, कन्फेक्शनरी, ये सब चीज़ें, पैकेज सूप या प्रोसेस, कोई भी जो पैकेज आइटम्स हैं, सैलड्स हैं, ये सब आप ला सकते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं मीट, डेयरी, फिश और एनिमल प्रोडक्ट्स की। तो अगर आप EU कंट्री से आ रहे हैं तो आप इनमें से कुछ भी चीज़ ला सकते हैं UK में। अगर आप EU की आउटसाइड किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो आप मीट या फिर मीट प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते, प्लस आप मिल्क या फिर मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट्स भी नहीं ला सकते। सिर्फ आप इन्फेंट मिल्क कैरी कर सकते हो, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इसके अलावा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें बहुत ही स्पेसिफिक आइटम्स हैं जो आप ला सकते हो, जैसे कि हनी, पाउडर्ड इन्फेंट मिल्क, शेलफिश,
स्नेल्स, फ्रॉग्स लेग्स एंड इंसेक्ट मीट. आप फ्रेश फिश, फिश प्रोडक्ट्स ये सब भी ला सकते हो, इंक्लूडिंग लॉबस्टर्स, प्रॉन्स. आई डोंट नो कितने लोग इसे कैरी करते होंगे अपने पर्सनल यूज के लिए फ्लाइट में या फिर स्पेशली इंडिया से जब यूके आ रहे हो, बट हाँ ये चीज़ें अलाउड है लाना. अब बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की. जैसे कई लोगों को जिनके बच्चे हैं स्पेशली, उनको ऐसा डाउट होता है कि यार हम चेंजिंग बैग लेके जा सकते हैं कि नहीं, हम बेबी का मिल्क लेके जा सकते हैं कि नहीं, और उसमें वाटर वगैरह क्योंकि सिक्योरिटी पे वो भी थ्रो करवाए थे तो क्या वो कैरी कर सकते हैं. तो हाँ, आप ये सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं. अगर वो बेबी के लिए है वो वाटर फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए, तो आप ये कैरी कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं होती, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो. और चेंजिंग बैग भी बेबी का यूजुअली मोस्टली फ्लाइट्स में अलाउड होता है. बाकी आप एक बार अपना कंफर्म कर सकते हो अपनी फ्लाइट से, बट यूजुअली ज़्यादातर जो फ्लाइट्स हैं वो बेबी का चेंजिंग बैग और जो स्ट्रॉलर है वो अलाउ करते हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार उनसे डबल चेक कर लीजिए. बाकी आपको पता ही होगा कि जो लिक्विड्स हैं वो 100 ml के ऊपर आप नहीं लेके जा सकते. अगर वो बेबी का सामान नहीं है और आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी कैरी कर रहे हैं, तो वो 100 ml के ऊपर नहीं होना चाहिए. और वो आपको स्पेशली क्लियर बैग्स जो होते हैं प्लास्टिक के, उसमें कैरी करना होता है, ताकि सिक्योरिटी वाले देख पाए कि आप कुछ गलत तो नहीं लेके जा रहे हैं सिक्योरिटी के थ्रू. तो कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जो मसाले हैं, जो इंडियन स्पाइसेस हैं स्पेशली, वो कई लोग इंडिया से लेकर आना चाहते हैं. कई बार कई लोग घर पे बनाते हैं, या कई रीजंस हैं, मतलब लोग चाहते हैं कि इंडिया से हम ले आएँ इनिशियली, तो वो अलाउड है. उसमें ऐसा कुछ नहीं है. जो भी पैकेज आइटम है, जो भी प्रोसेस्ड आइटम है, उनको लाने में कोई दिक्कत नहीं है. इवन अचार के लिए भी यही क्वेश्चन होता है, तो प्रोसेस्ड आइटम्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है. ज़्यादातर दिक्कत है कि आप रॉ कुछ ला रहे हो या कुछ सीड्स ला रहे हो, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो क्योंकि वो अफेक्ट कर सकते हैं यहाँ के प्लांट्स वगैरह को, तो इसलिए उन चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शन है. और जो भी प्रोसेस्ड है, जो भी पैकेज है, उन फूड्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है. बाकी ऐसी इनमें से कई आइटम होंगी जो यहाँ पे लोग लाते आ रहे होंगे, और आप मे बी किसी से पूछे तो कहेंगे कि अरे यार हम तो बहुत सालों से ला रहे हैं, बट हम आपको जनरली बता रहे हैं gov.uk यहाँ की जो वेबसाइट है, यूके की government.uk, उसको रेफ़र करके बता रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये सारे लिखा हुआ है कि क्या क्या बैंड है, क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड है ये गुड्स. तो इवन इफ कोई ला भी रहा है, मे बी वो अनअवेयर हो या फिर मतलब वो रिस्क ले सकते हो, तो उसके लिए वो लेकर आ रहे हो, तो अगर आपको भी लेना है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट हाँ, हमारा फ़र्ज़ था आपको बताना कि ये चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है. तो यही थी आज की वीडियो. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे को जानना है कि अगर कोई यहाँ पर कुछ ऐसी इनमें से कोई ऐसी आइटम ला रहा था जो कि अलाउड नहीं है, या फिर किसी को डाउट था कि यार पता नहीं अलाउड है कि नहीं, उसकी कुछ क्लैरिफिकेशन उसको मिली हो इस वीडियो से, तो दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो. मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. अंटिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू वेरी मच.